गजलों के गाने से उन दिनों का अनोखा माहौल नजरों के सामने उजागर होता है और ईश्वरीय एहसास की अनुभूति प्राप्त होती है। उमा कहते हैं, यह आजादी एक नशा है जो मुझे बंदगी से हासिल हुई है। इसका नशा कुछ और ही है जो मुझे बेपर तो करता है मगर ईश्वर की ओर उड़ान भरने के काबिल भी बनाता है। आइए सुनते हैं बंदा हूं मैं गुलाम। आशिक हो सच को लब में है बेमार खुदा।
खराब रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें प्रेमी और दिलवर का अद्वैत दिखाई देता है। पहले तो वो प्रेमी के पक्षधर बनते हैं और विरह की ज्वाला में तड़पते हुए प्रेमी के लिए करुणा की प्रार्थना करते हैं और फिर प्रेतम का लिबास पहनते हैं और प्रेमी को सचेत कर रहे हैं। दूसरों को सलाह देने के लिए खुद की हृदय शुद्धि आवश्यक है। आइए सुनते हैं हनुमान जी की गजल। प्रीतम बाबा ने अपने जीवन में अथक परिश्रम करते हुए
नौ मानव के हृदय में प्रेम का बीज है। 1968 में प्रीतम बाबा ने कहा था, मेरा कार्य 100% पूरा हुआ है और इसके परिणाम भी 100% पाए जाएंगे। हमारे लिए प्रीतम बाबा ने जीवन की राह बड़ी आसान बना दी है। हमें इस राह पर चलना है और बाबा का नाम चलते चलते पकड़े रहना है। निरंतर नामस्मरण, सरल और प्रेमपूर्ण आपसी व्यवहार और आज्ञापालन इस राह के महत्वपूर्ण पड़ाव है। बड़ी खूबी से मधुसूदन जी हमें ये पड़ाव समझा रहे हैं। आइए झूमते हुए गाएंगे बन जाओ ऐसे विषम। उसके पहले एक बार जोर से अवतार I say we shall.